दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय महाराजा पब्लिक स्कूल प्ले टू थर्ड छतरपुर का अत्याधुनिक स्कूल। नमस्कार, आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार, मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। इन दिनों मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, कहीं IAS अफसर पकड़े जाते हैं तो कहीं दूसरी ओर सोसाइटी के चेयरमैन या फिर अन्य कर्मचारी और पदाधिकारी गिरफ्त में आ रहे हैं। ऐसा ही भ्रष्टाचार का मामला बिजावर पंचायत के अंतर्गत भी सामने आया है, जहां पर एक भवन की मरम्मत के नाम पर लाखों रुपए का गबन कर लिया गया। मामला बिजावर का है। जनपद पंचायत बिजावर की ग्राम पंचायत विजयपुर का मामला है, जहां पर सरपंच गोरेलाल आदिवासी और सचिव ऋषभ चौरसिया द्वारा शासन के लाखों रुपए का गबन किया गया। कागजी घोड़े दौड़ाते हुए लाखों रुपए निकाले गए हैं। पंचायत भवन की मरम्मत और डेंटिंग पेंटिंग LED के नाम पर फर्जी तरीके से 69,000 रुपए निकाल लिए गए, जबकि आज दिनांक तक भवन में ना कोई मरम्मत की गई और ना ही कोई नई LED लगाई गई है। मजे की बात यह है कि इस पंचायत में मुरम डलवाने का 4,000 रुपए का चक्कर लगता है, जिस हिसाब से 8 चक्कर के 32,000 रुपए भी निकाल लिए गए। इतना ही नहीं, आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा आदिवासी मोहल्ले में एक भवन स्वीकृत किया गया था, जिसका आज दिनांक तक निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया, जबकि उसी निर्माण के नाम पर सरिया सीमेंट और अन्य सामग्री के लिए एक माह पूर्व बिल लगाकर 1,25,000 रुपए निकाल लिए गए हैं। चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस पंचायत में फोटोकॉपी और रजिस्टर के नाम पर 16,000 रुपए निकाले गए। इस तरह आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पंचायत में भ्रष्टाचार किस कदर चरम सीमा पर है। इन लोगों को न तो शासन का डर है और न ही प्रशासन की परवाह, लगातार पंचायत को दीमक की तरह चाटते जा रहे हैं। नहीं सर, उसके अभी क्या है, उसकी ड्राइंग हो गई थी क्योंकि नेस्त बन के मैं दोबारा आई है आपके लिए। आज काल में उसकी टेस्ट कर रहे हैं वहाँ दे रहे, उसकी वो काम चालू करवा दे रहे। तो पैसे भी निकाल लिए सब मालवाड़ी के बाद, वहाँ पैसे पड़े हैं मालवाड़ी लोग जिसने उठाना है उसके पास रखे मैं पैसे, उस वहाँ से पैसे नहीं उठाए, और बाकी जो है सो ईंटन माल के लाने पैसे दे दे ईंटें उठाने। पैसा आपको जानकारी में है कि निकला है और कहाँ कहाँ गया? निकला है, हमें पता है। चलो देखिए, विजयपुर पंचायत के मामले में जो मामला आपके द्वारा रखा गया है उसको मैंने देखा है, आपने अभी बिल भी मुझे दिखाए हैं, उनमें बिल से जो है वह राशि का आहरण दिखता है। वहां पर आदिम जाति कल्याण विभाग से सार्वजनिक भवन निर्मित होना था, परंतु वो भवन निर्मित नहीं हुआ है और उसमें राशि निकाल ली गई है, ऐसा मामला प्रथम दृष्टया लगता है। इसके संबंध में जांच समिति गठित करके जांच करा रहे हैं, जांच में जो भी व्यक्ति दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।